कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने कहा, कोरोना वायरस से देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना काल में पीएम का विकास मंत्र, कहा मुसीबत की एक ही दवाई है और वो है मजबूती। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए चुनौती, हर देश इस संकट से जूझ रहा है। कोरोना की आपदा को अवसर में बदलना है, देशवासियों को संकल्प के साथ इस टर्निंग प्वाइंट बनाने की अपील। काश शब्द को हकीकत में बदलने का वक्त, आत्मनिर्भर भारत इसी की एक पहल। कोरोना संकट ने पढ़ाया आत्मनिर्भरता का पाठ। उद्योग जगत के संबोधन में पीएम ने कहा, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हम एक्सपोर्टर बने इम्पोर्टर नहीं। कोरोना काल में देश को आगे बढ़ाने का पीएम का फॉर्मूला, कहा संकट काल में छोटे कारोबारी देश की मजबूती, लोकल के लिए हमें वोकल होना होगा। कोरोना के बाद दुनिया बदलने वाली है, बदलते वक्त में अवसर की अपार संभावनाएं। आपदा के समय ही हमें आत्मनिर्भर बनना है। कोरोना क्राइसिस ने हमें तेजी से काम करने का अवसर दिया। अब देश में किसान कहीं भी अपनी कृषि उपज बेच सकते हैं। किसानों को मार्केट फोर्स के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य। पूर्वोत्तर भारत ऑर्गेनिक खेती का हब बन सकता है। कारोबारियों और किसानों से पीएम ने कहा, इस सेक्टर में कदम बढ़ाएं। कोरोना संकट में बोल्ड डिसीजन लेने का समय। देश में मजबूत सप्लाई चेन बनाने की जरूरत। जीत की कोशिश से ही नया मौका मिलता है। एकजुटता से बड़ी आपदा का सामना किया जा सकता है। देश में एक दिन में कोरोना के 9,996 नए केस, कुल मरीज 286,579। देश में कोरोना वायरस से एक दिन में 357 लोगों की मौत। अब तक कोरोना ने 8,102 लोगों की जान ली। देश में अब तक 141,029 मरीज हुए रिकवर। देश में 133,000 एक्टिव केस। देश में अब तक 52,12,000 कोरोना के टेस्ट, आईसीएमआर का आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के 1,501 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 32,810 हुई। दिल्ली में एक दिन में 79 मौत। कोरोना की वजह से अब तक 984 लोगों की जान गई। दिल्ली में जून महीने में 8 दिन में बढ़ गए कोरोना के 10,000 मरीज। दिल्ली में कोरोना के टेस्ट के लिए फिलहाल 42 लैब, नतीजों में देरी की वजह से 7 लैब को 3 दिन के लिए किया बंद। लैब को एक दिन में देनी होगी रिपोर्ट। बढ़ते केस के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 20 जून तक 15,000 बेड का करेंगे इंतजाम। कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी पर NHRC ने स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा। अजय माकन की शिकायत पर एक्शन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हालात काबू में नहीं आए तो महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन पर हो सकता है विचार। उद्धव ठाकरे ने कहा, 22 जून की जगह 3 अगस्त से होगी महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की बैठक। महाराष्ट्र में एक दिन में 3254 नए केस, 149 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 94,041 हुई। अब तक 3,438 कोरोना के मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 97 लोगों की मौत। अब तक 1,855 लोगों की गई जान। पुणे में कोरोना का ग्राफ 10,000 के पार, एक दिन में बढ़े 435 मरीज। अब तक 449 लोगों की मौत। ठाणे में भी कोरोना के हालत गंभीर, जिले में अब तक जा चुके हैं 12,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र के जलगांव में जिला अस्पताल के टॉयलेट में मिला 82 साल की महिला का शव। 8 दिन से लापता थी कोरोना पीड़ित महिला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जेल में 60 कैदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। नवी मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के इलाज के लिए बना कोविड हॉस्पिटल, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया उद्घाटन। मुंबई के ओशीवाला शमशान घाट पर शिवसेना ने नेता ने किया लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार। कोरोना मृतकों के शव के परिजन बना रहे हैं दूरी। मुंबई के मलाड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 दिन से ऑटो में बीमार पड़े शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कोरोना से पीड़ित होने का शक। मुंबई में 75 साल की महिला ने कोरोना से जीती जंग, अस्पताल के बाहर लोगों ने किया स्वागत। यूपी में सामने आए 277 नए मामले, कुल आंकड़ा 11,610 हुआ। राज्य में 4,318 एक्टिव केस। नोएडा में कोरोना ग्राफ 700 के पार पहुंचा, एक दिन में 16 रिपोर्ट पॉजिटिव। ग्रेटर नोएडा के कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भेजा घर, 24 घंटे के अंदर हुई मौत। लखनऊ का फूलबाग इलाका दोबारा सील, इलाके में 7 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले ही खोला गया था। लखनऊ में कोरोना टेस्ट के लिए बुधवार को आए 1,928 सैंपल, 81 सैंपल पॉजिटिव। लखनऊ में 1,076 हेल्पलाइन में काम करने वाले 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। गोमती नगर इलाके में हेल्पलाइन का था ऑफिस। मुरादाबाद में कोरोना काल में रेस्टोरेंट प्रभावित, मालिकों ने कहा बिजनेस 90% तक गिरा, स्टाफ की कमी बनी परेशानी। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 51 नए केस, 24 घंटे में हुई 5 मौतें। राजस्थान में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,651 तक पहुंची। जयपुर के जौहरी बाजार में खुले ज्वेलरी शोरूम, कारोबारियों ने कहा नहीं आ रहे हैं ग्राहक। सराफा कारोबारियों ने कहा कोरोना महामारी से हाल खराब, दुकान के रेट और कर्मचारियों की तनख्वाह सबसे बड़ी चुनौती। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 7 मरीजों की मौत, 370 नए केस, संक्रमितों की संख्या 5,579 हुई। MP में कोरोना का ग्राफ 10,000 के पार, एक दिन में बढ़ गए 200 पॉजिटिव केस, अभी तक 427 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना का ग्राफ अब तक 163 की मौत, जिले में अब तक 3,922 संक्रमित।
पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 17 लोगों की गई जान। 343 नए केस राज्य में, अब कोरोना के 9,328 मरीज। कोलकाता में सैलून संचालक का दर्द, कहा कोरोना काल में खर्चे बढ़े आमदनी कम। बिहार में एक दिन में कोरोना के 109 नए मामले, बिहार में कुल केस 5,807। झारखंड में कोरोना के 128 नए केस, कुल मामले 1,551 हुए, अब तक 8 की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 458 मरीज हुए, 182 एक्टिव केस, जबकि 259 लोग कोरोना से जंग जीते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का दावा, प्रदेश में कोरोना का अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। तमिलनाडु में एक दिन में 1927 पॉजिटिव केस, कुल मामलों की संख्या हुई 36,841। चेन्नई के शेल्टर होम में 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब, ऐसी लापरवाही कैसे हुई। तेलंगाना में भी नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक दिन में कोरोना के 191 नए केस और 8 की मौत। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 4,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, राज्य में 156 लोगों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 135 पॉजिटिव केस, राज्य में कोरोना से संक्रमितों की तादाद 4,261 तक पहुंची। मणिपुर में 24 घंटे में 31 नए केस, राज्य में अब तक 342 कोरोना संक्रमित। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 28 जवानों का कोरोना, कुलगाम में थी तैनाती। जम्मू कश्मीर में 161 नए केस, कुल मामले 4,507 हुए, 1,671 रिकवर। केरल में खुले रेस्टोरेंट, लेकिन ग्राहकों की कमी से होटल मालिक परेशान। आज से तिरुपति का तिरुमला मंदिर आम लोगों के लिए दर्शन के लिए खोला गया, कंटेनमेंट जोन से आने वालों को नहीं मिलेगी दर्शन की अनुमति। मंदिर में दर्शन के लिए पिछले 30 घंटे में 60,000 टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई, आज 3,000 लोगों को दर्शन का मौका मिलेगा। 14 जून की शाम को खुलेगा सबरीमला मंदिर, मासिक पूजा के लिए खोले जाएंगे द्वार। डीआरडीओ ने पुलिस कर्मियों के लिए बनाई जर्मी क्लीन मशीन, 15 मिनट में 25 यूनिफॉर्म होंगी सैनिटाइज। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की पहल, सड़क पर उतरने से पहले चंडीगढ़ में बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बात, कोरोना संकट में एक दूसरे का मदद का भरोसा, हालात ठीक होने पर भारत आने का न्योता। कोरोना संकट के बीच चमोली के माना और बमनी गांव के श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ दर्शन की अनुमति, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। अनलॉक 1 के तहत बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क को खोला गया, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, मास्क और थर्मल स्कैनिंग होगा जरूरी। अमेरिका में एक दिन में 982 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक 20,66,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अमेरिका में अब तक 8,00,000 लोग हुए कोरोना से रिकवर, जबकि 11,47,000 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अब तक सबसे ज्यादा 4,00,000 से ज्यादा केस, सिर्फ न्यूयॉर्क में अब तक करीब 31,000 की मौत। मेक्सिको में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पास पहुंचा, पिछले 24 घंटे में 1,200 मौत। 2 महीने के शटडाउन के बाद ब्राजील का साओ पाउलो शहर खुला, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से किया गया था बंद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ कोरोना संक्रमित, घर पर ही आइसोलेशन में है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने के लिए पूरी कोशिश कराई बीसीसीआई, सौरभ गांगुली ने कहा खिलाड़ियों से बात जारी। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और स्टेक होल्डर्स भी आईपीएल कराने की कोशिश में जुटे हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर सस्पेंस जारी, आईसीसी ने अगले महीने तक का टाला फैसला। कोरोना संक्रमण के बीच अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने शुरू किया अभ्यास, 1 महीने तक चलेगी ट्रेनिंग।